फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई रेसिपी। आप सब व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज मैं वेट लॉस रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है उपमा और ये है ब्रेकफास्ट, वेट लॉस ब्रेकफास्ट। तो उपमा और उपमा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे रेडी करेंगे। तो चलिए लेट्स सी। तो इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा घी गरम कर लिया है। घी में डाला मैंने सरसों की दाने, थोड़ी मिर्च और कड़ी पत्ता, इसको थोड़ा फ्राई कर लें। अब इसमें डालूंगी ऑनियन, और ऑनियन को थोड़ा भून लें। तक मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने क्या क्या लिया है, मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली जो मैंने बोला कि मिक्स वेजिटेबल उपमा है, तो यहाँ पे मैंने मिक्स वेजिटेबल लिया है। मेरे पास यहाँ पे पीस है, कैरेट है, बीन्स है, इसमें सब कुछ है, और कॉर्न है थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और ये सारा जो है उसके बाद कोरिएंडर लीव्स है। कोरिएंडर लीव्स डाइट में बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, जितना हो सके कीजिए खाइए। और नहीं तो कोरिएंडर लीव्स का वाटर, डिटॉक्स वाटर भी बना के पी सकते हैं। और ये रहा टमाटो और थोड़ा सा टर्मरिक एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। चलिए एक बार ऑनियन को हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, इसे हाई हीट पे फ्राई होने देते हैं। ये इसे मिक्स कर ले और इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर ले ताकि ऑनियन पूरा गल जाए और थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये ऑनियन फ्राई हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस में हैं तो एक चीज़ प्रेफर करिएगा कि इवनिंग में कोई भी हेवी स्नैक्स मत खाइए। अगर आपको इवनिंग में भूख लग रही है या आपको चाय पीने की आदत है तो आप चाय पी सकते हैं। उसके बाद आप एक घंटे डेढ़ घंटे बाद आप स्नैक्स के तौर पे कुछ दही से रिलेटेड खाइए, जैसे दही का छाछ पी लीजिए, दही की नमकीन, या दही में फ्लेक्स सीड्स डाल के ऐसी खा लीजिए। इस तरह का कुछ लाइट स्नैक्स करिए। तो और डिनर जितना हो सके अर्ली करें, एटलीस्ट सोने के 2-2.5 आवर 3 आवर्स पहले, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये ऑलमोस्ट भुन गया है। चलिए इसमें अब मिक्स करते हैं टमाटो एंड कोरिएंडर लीव्स। जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसमें मिक्स कर दिया टमाटो एंड कोरिएंडर लीव्स, और इसमें अब मिक्स करती हूँ हमारे सारे वेजिटेबल्स। इसमें आप और भी वेजिटेबल्स मिक्स कर सकते हैं, जैसे थोड़ी गोभी हुई, फूल गोभी, थोड़ा मशरूम, थोड़ा सा पनीर। तो मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है, मेरे पास ये मिक्स वेजिटेबल का स्टॉक है। ये स्टॉक में हमेशा थोड़ा रखती हूँ अपने पास, कट करके अवेलेबल मिक्स करके। मार्केट में भी आता है फ्रोजन, पर फ्रोजन बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, तो ये ऐसे बना के रखती हूँ जैसा मार्केट में मिलता है। इसे भून लें और इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इनफैक्ट जैसा मैं हमेशा कहती हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट से थोड़ा कम ही सॉल्ट। तो ये मैंने डाला सॉल्ट, मेरा सॉल्ट वैसे भी बहुत लाइट है। तो फ्रेंड्स, आज मैं उपमा जो बनाने जा रही हूँ वो है सूजी का उपमा, जो नॉर्मल बनता है। मैं उपमा में भी अलग अलग टाइप का उपमा रेडी करती हूँ, आज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सूजी का। बहुत जल्दी मैं दूसरे तरह की उपमा आपको शेयर करूँगी। और अब इसमें डाला थोड़ा सा टर्मरिक, मुझे वो कलर अच्छा लगता है येल्लो, आप इसे विदाउट टर्मरिक भी बना सकते हैं। और इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे थोड़ा देर कवर करके रख देते हैं। 5-7 मिनट तक मैंने इसे ढककर कुक कर लिया है। तो इसमें जो मटर है, कैरेट है, वो ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। चलिए अब मैं इसमें मिक्स करती हूँ सूजी। मैं यहाँ पे 1/3 कप ऑफ सूजी यूज़ कर रही हूँ, और ये सूजी फ्रेंड्स रोस्टेड सूजी है। तो क्या होता है, जब भी सूजी आती है मैं उसे रोस्ट करके स्टॉक कर लेती हूँ, तो मुझे बनाते वक्त इजी रहता है, बस निकाला और यूज़ किया, पहले रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये रोस्टेड सूजी है। और अब इसमें डालते हैं वाटर और इसे थोड़ा सा कर देते हैं बॉयल। अब इसे बॉयल आने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आना शुरू हो गया है।
हम इसे अच्छे से दो बॉयल दे देते हैं, और ये जैसे जैसे बॉयल होगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, सूखता जाएगा जल्दी। और इसे कितना गाढ़ा बनाना है वो आपके टेस्ट के ऊपर है। मैं थोड़ा लिक्विड ही रखती हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सब लोग खाते हैं, बच्चे भी स्पेशली खाते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद है वो टेक्सचर, थोड़ा सा गीला सा टेक्सचर। इनफैक्ट खाते खाते मुझे भी अच्छी लगने लगी है, तो मैं थोड़ा सा गीला टेक्सचर रखती हूँ। आप चाहे तो पूरा ड्राई भी कर सकते हैं बिल्कुल हलवे जैसा, और आप चाहे तो इसे थोड़ा गीला लिक्विड भी रख सकते हैं। तो ये है आज की रेसिपी, वेट लॉस ब्रेकफास्ट। और फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने घी यूज़ किया था, एक और चीज़ बता दूँ, वो होममेड घी है जो कि मैंने नॉन फैट बटर से बनाया है, लो फैट बटर से बनाया है घर में। अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है लो फैट, तो वो घी भी लो फैट है, तो वो मैंने इसमें यूज़ किया है बनाने के लिए। चलिए देखते हैं, थोड़ी देर इसे बॉयल होने देते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट उपमा बनकर रेडी है, वेट लॉस ब्रेकफास्ट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और क्या आप नई तरह की रेसिपीज जो भी आप जानना चाहें वो मैं डाल सकती हूँ, और आपको ये टेस्ट कैसा लगा, और आप अभी तक का वो डाइट जो मैं रेगुलर डाल रही हूँ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट किया है वो डाइट, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे इम्प्रूवमेंट लग रही है। आई एम श्योर मुझे जो लग रहा है, मुझे अपने हेयर और फेस पे एक शाइन दिख रहा है, क्योंकि अभी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गई है मेरे डाइट में, हर चीज़ में है, ग्रीन्स है, और बहुत ही हेल्दी प्रोटीन, और जो कार्ब्स भी है वो कैलकुलेटेड है मिक्स विद अदर प्रोटीन, जैसे कि अदर चीज़ें हैं, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो वो सब चीज़ मिक्स करके एक अच्छा डाइट बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे ट्राई करिए, एंड लेट मी नो, डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे कनेक्टेड।